हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ा है ग्रैंड विटारा का सेकंड टॉप मॉडल यानी कि जेटा मॉडल। सबसे पहले ग्रैंड विटारा के मॉडल्स की बात करें ना यार, ये ना चार मॉडल में आती है, सिग्मा, डेल्टा, जेटा एंड अल्फा। एंड उसके अलावा इसमें जेटा प्लस एंड अल्फा प्लस भी आते हैं जो कि ना हाइब्रिड मॉडल है। बट ये वाला ना आपका नॉन हाइब्रिड वाला मॉडल ही है जिसमें आपको 1500 सीसी का इंजन मिलता है जो आपको प्रोवाइड करता है 103 bhp विद 137 nm ऑफ टॉर्क। सेम ब्रेजा वाला ही इंजन है, K15 सी सीरीज वाला। जो इसमें आपको हाइब्रिड इंजन मिलता है ना उसमें आपको मिल जाती है 116 bhp, जो भाई टोयोटा वाला इंजन है हाइब्रिड, और उसकी जो एवरेज है वो भी 27 kmpl तक की है एंड इसकी अराउंड 20 तक है। तो फर्क तो यार बहुत है हाइब्रिड में। एंड अब ना फ्रंट से स्टार्ट करें ना, जैसे मैंने आपको बताया ये ना टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल है। बट फ्रंट से ना आपको कहीं से भी ना ऐसा नहीं लगेगा कि है यार ये एक नीचे वाला मॉडल है। इतनी प्रीमियम लुक आती है ना इसकी, खासकर जो एक क्रोम ट्रीटमेंट है इधर इधर एंड बीच में बड़ा सा सुजुकी का लोगो। बट यस, जो एक चीज इसमें मिसिंग है ना, इसमें आपको ना 360 कैमरा नहीं मिलता है, इसलिए इधर भी ना आपको कैमरा नहीं मिलेगा। नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है। एंड अब हेडलाइट यूनिट की बात करें, LED सेटअप इसमें आपको मिलता है और ऊपर आपको DRLs मिल जाती हैं। एंड ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें ना, 210 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाती है जो कि अमेजिंग है। एंड अब साइड में आ जाते हैं, टायर साइज की बात करते हैं, टायर साइज भी ना इसमें आपको सेम मिल जाते हैं। एंड अलॉय व्हील्स भी ना यार मुझे कहीं ना सेम दिख रहे हैं। टायर साइज की बात करते हैं, 215R17, जैसे टॉप मॉडल में भी 17 इंच के टायर मिलते हैं ना, इसमें भी आपको ना 17 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, वो भी अपोलो के। एंड जैसे ना ब्रेजा में आपने देखा होगा कि भाई कितनी क्लैडिंग है, मतलब कि ज्यादा क्लैडिंग हमें लगी, बट ग्रैंड विटारा में ना ऐसे ना क्लैडिंग इतनी ज्यादा नहीं है। एंड ORVMs में ना आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे, बट वो ये 360 कैमरा नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। एंड फेंडर पे कोई इंडिकेटर नहीं मिलता है, बढ़िया बात है। एंड कार की ना एक बार आपने ध्यान से कट्स एंड पीसेस देखो यार, स्टाइलिश कह लो प्रीमियम कह लो, कार ना एक नंबर तो है ही, तभी इसकी इतनी ज्यादा हाइप है। और इसकी वेटिंग पीरियड की बात करें, 6 महीने से ना ज्यादा तो इसका वेटिंग पीरियड है मारुति कार में, भाई ऐसा सीन है। अब बात करते हैं डोर हैंडल्स की। बॉडी कलर ना इसमें आपको डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, कोई क्रोम डोर हैंडल्स नहीं मिलते हैं। एंड एक चीज ना आप नोट करना भाई, इसमें ना आपको रूफ रेल नहीं मिलती है, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं। बट यार सनरूफ भी नहीं है, देख रहे हो, सनरूफ बस आपको अल्फा मॉडल में मिलेगी, जो कि यार थोड़ा बहुत ना डिसअपॉइंटमेंट मुझे तो लग रहा है कि एक सनरूफ तो देनी चाहिए थी यार। जैसे ब्रेजा के एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, टॉप और सेकंड टॉप में ना आपको सनरूफ मिल जाती है, इसमें भी ना सनरूफ तो यार देनी चाहिए थी, बट ऐसा कोई सनरूफ इसमें आपको नहीं मिल रही है। बट यस, यूवी ग्लासेस मिल रहे हैं, देखो ग्रीन टिंट, जो बहुत ही हेल्पफुल है गर्मी में। फिलहाल ना मैं कार की बैक साइड पे आ जाता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो फेवरेट पार्ट है वो है ये 3D टेल लाइट। जी हाँ, मारुति ना इन्हें कहते हैं 3D टेल लाइट। एंड एक बार आप ना ध्यान से देखो यार, कितनी ही बढ़िया लगती है। फिलहाल तो ये थोड़ी बहुत गंदी भी है, बट स्टिल यार जो टेल लाइट है ना मेरी तो फेवरेट है। इधर से ना कनेक्ट नहीं होती है जैसे हुंडई की कार्स में होती है, बट बहुत ही ना अलग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। बीच में सुजुकी का लोगो, ग्रैंड विटारा की बड़ी सी बैजिंग एंड इधर वही स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग, मतलब कि आपको बताइए नकली हाइब्रिड है, ऑटो ऑन ऑफ वाला फीचर आ जाता है। इधर आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है एंड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4। एंड इधर भी ना आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी एंड एग्जॉस्ट नोट आपको इसका नीचे मिलेगा, मतलब कि इधर से नहीं दिखेगा। फिलहाल तो ना मैं कार की बूट खोल के आपको दिखा देता हूँ कैसी है इसकी बूट। ऐसी कुछ है भाई इसकी बूट स्पेस। एंड इसमें ना आपको पार्शियल ट्रे भी मिल जाती है जो कि बढ़िया बात है। एंड नीचे ना आपको स्पेयर टायर भी मिल जाएगा। स्पेयर टायर की साइज की बात करें ना, 215R17, भाई मान गए मारुति को जो काम कर रहे हैं ना, मतलब कि स्पेयर टायर भी ना आपको सेम साइज का दिया है, बट कोई अलॉय व्हील नहीं है। एंड 60-40 स्प्लिट करना इधर आपको ऑप्शन मिल जाता है एंड इधर आपको लैंप भी मिल जाएगा। फिलहाल तो ना मैं बूट भी बंद करता हूँ। एंड जब मैं बूट ओपन कर रहा था, आपने कार की तो देख ही ली होगी भाई, ऐसी कुछ है कार की कि मतलब कि वही है यार, ओल्ड स्कूल वाली, कुछ चेंज नहीं करते यार, इतना बढ़िया प्रोडक्ट निकाल दिया मारुति ने। थोड़ी की भी प्रीमियम कर देते ना, हैवी सी कर देते ना, थोड़ी मजा सा आ जाता, बट ठीक है भाई कोई चक्कर नहीं है। कार हमने कर दी है अनलॉक, पहली वही वाली टू टू करती है। अब चलते हैं हम कार के अंदर। ऐसा है कार का डोर ट्रिम, बिल्कुल ही टॉप मॉडल वाला ना, इसमें आपको डोर ट्रिम मिलता है, सॉफ्ट टच का ट्रीटमेंट, इधर पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट, बोटर होल्डर, कुछ स्पेस एंड ना आई बटन पे ना आपको टॉप मॉडल की भी ना वीडियो मिल जाएगी, एक बार ना वो भी देख लेना। मेनली ना इस वीडियो में ना आपको मैं ये बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या नहीं मिल रहा है एंड ओवरव्यू सा दूंगा। डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है आई बटन पे ना वो भी आ रही होगी। फिलहाल तो ना मैं सीट पीछे कर दूं, थोड़ी बैठते हैं। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा एंड ऐसा कुछ है भाई कार का स्टीयरिंग व्हील। इधर से आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करेंगे, फोन पिक करना है, कट करना है, वॉइस कमांड, इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। जी हाँ, सेकंड टॉप में भी आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। बट जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है ना, ये देखो भाई
इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के जो साइड में क्रोम का ट्रीटमेंट है ना, कितना ही प्रीमियम लगता है यार। और सॉफ्ट टच तो भाई क्या ही कहने। इंटीरियर तो ना कार का एक नंबर है, नो डाउट। और एक बार ना मैं कार को ना एसेसरी मोड पे डाल देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें ना, सेम आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखेगा, एनालॉग ही मिलता है। अब MID की बात करें ना, MID भी ना आपको सेम मिलती है भाई, जैसे बलिनो के टॉप मॉडल में आती है, ब्रेजा में आती है, वही वाली MID है। इसमें आपकी टॉर्क पावर, जैसे एक्सेलरेशन ब्रेक, वही वाला है भाई। ये हाइब्रिड वाला जो बोलती है मारुति की, हाइब्रिड है इनकी कार, बट जो प्रॉपर हाइब्रिड है वो आएगी अल्फा प्लस और जेटा प्लस में। एंड अब इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें, सेम आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है जो टॉप मॉडल में मिलती है। ये भी ना मैंने सेपरेट वीडियो में ना पूरी एक्सप्लेन कर रखी है, वो भी ना आई बटन पे देख लेना। मतलब कि यार मैं सोचता हूँ कि सेम चीजें ना मैं बार बार एक वीडियो में ना रिपीट ना करूँ, फालतू में ना वीडियो की ना लेंथ खींचती है, उसका कुछ फायदा नहीं है। जब वो चीज पूरी इन डिटेल समझाई रखी है तो मैं इसलिए बोल देता हूँ कि आई बटन पे टैप करके वो वाली वीडियो देख लेना। पूरी इंफोटेनमेंट स्क्रीन की ना आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या है इसमें क्या नहीं। ये चीज मुझे इसमें बहुत बढ़िया लगती है, जो हजार लाइट का स्विच है ना, देखना गोलू मोलू सा कितना प्यारा सा लगता है। इधर आपको एसी वेंट्स के नीचे पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिल जाता है। एंड ऑटोमेटिक एसी इसमें आपको मिलता है, ट्रैक्शन ऑफ का बटन, ऑटो ऑन ऑफ का बटन, 12 वोल्ट का सॉकेट, USB सॉकेट, कुछ स्पेस एंड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही भाई मारुति इसमें दे रही है। भाई 6th गियर भी दे दो यार, क्या जाता है, बट नहीं जी, 6th गियर केवल आपको ऑटोमेटिक में मिलेगा। यानी कि 6 स्पीड टॉक कन्वर्टर का भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। इधर मैनुअल हैंड ब्रेक, दो कप होल्डर, इधर की रखने के लिए स्पेस। एंड आर्मरेस्ट की बात करें, एडजस्टेबल है भैया आर्मरेस्ट, बढ़िया। एंड स्पेस भी अच्छी खासी है, बट टॉप मॉडल में ना आपको लेदर सीट कवर्स मिलते हैं, इसमें आपको फैब्रिक सीट कवर्स ही मिलेंगी। एंड मारुति ने कहता है भाई स्कल्प्टेड सीट्स। कंफर्ट की बात करें, बहुत ही अच्छा कंफर्ट है। ग्लव बॉक्स की बात करें, अच्छा खासा स्पेस है ग्लव बॉक्स में भी, बट यहाँ जो फिट एंड फिनिश है, ये सिल्वर ट्रीटमेंट है, बहुत ही बढ़िया कार लगती है। एंड ऑटो डीमिंग IRVM मिल जाता है भाई, देख रहे हो महिंद्रा, ये देखो मिस होता है महिंद्रा की कार में। इधर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। कैबिन लाइट्स की बात करें, हेलोजन कैबिन लाइट्स हैं, LED कर देते ना भाई, बातचीत फुल बन जाती। सनशेड की बात करें, इधर आपको मिरर मिल जाएगा, ऐसे हम ओपन करेंगे तो बल्ब भी जल जाएगा। एंड इधर भी आपको मिरर मिल जाता है विद लाइट, क्या बात है। एंड यार अगर आप लोग इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बहुत ही मोटिवेशन मिलती है यार वीडियोस वगैरह क्रिएट करने के लिए, आप लोगों का ना एक सब्सक्राइब ना बहुत ही मैटर करता है। बट ठीक है, वापस आ जाते हैं भाई कार पर। अब एक बार ना मैं आपको ना कार ऑन करके भी दिखा देता हूँ भाई। जो मारुति का ये वाला इंजन है ना, बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है, मतलब कि K15C सीरीज और ऊपर है BS6 के नॉर्म्स, भाई साहब बहुत ही रिफाइंड, मतलब लगता ही नहीं कि भाई कार स्टार्ट भी है। एंड यस, ग्रैंड विटारा में ना आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ना ऑप्शन मिल जाता है, उसकी भी ना मैंने वीडियो बना रखी है यार, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, आई बटन पे देख लेना। बट यस, अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव की भी वीडियो देखनी है तो यार आई बटन पे देख लेना। इधर पूरा इसका ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम होता है। बट यस, जो ऑल व्हील ड्राइव है ना वो आपको हाइब्रिड वाले में नहीं मिलती, मतलब कि जो टोयोटा वाला इंजन है उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, केवल मारुति के जो 1500cc का इंजन है ना, 103 bhp वाला, उसमें ही आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल तो ना मैं कार के बैक साइड पे चलता हूँ, अब रियर स्पेस देखते हैं भाई कार की कैसी है। डोर ट्रिम की बात करें, डोर ट्रिम भाई सेम है, सॉफ्ट टच का इसमें आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है। फिलहाल तो अंदर बैठते हैं, रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो कि अच्छी बात है। इधर आपको दो सी टाइप भी मिल जाएंगे, कुछ स्पेस एंड थाई स्पोर्ट भाई अच्छी खासी है, लेग रूम भी अच्छा खासा है, हेड रूम भी यार अच्छा खासा है, मतलब कि कार में जो स्पेस है ना वो तो भर भर के है। कंफर्टेबल भी ना कार बहुत ही अच्छी है, तो पसीने इतने आ रहे हैं यार, गर्मी कितनी हो चुकी है बारिश के बाद, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। बट एक चीज देखो यार, जो लाइट्स है ना ये व्हाइट हो जाती है ना, बढ़िया लगता, मतलब जैसे क्रेटा में आती है ना व्हाइट लाइट ही होती है इधर, वो मतलब कि ना प्रीमियम लगती है। एंड यस, 3 एडजस्टेबल इसमें आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं विद सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स है, ये खुल जा, अच्छा बंद रखी है यार, ये ऊपर से ना बांध रखी है, 2 कप होल्डर ना इसमें आपको मिल जाते हैं। पीछे से ना डैशबोर्ड का ना कुछ ऐसा लुक आ रहा है। एंड अब कार की सेफ्टी फीचर्स की बात करें ना, इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। जी हाँ, इस मॉडल में भी ना आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, ABS विद EBD मिलेगा, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब कि सेफ्टी फीचर्स ना लगभग सारे ही सेम है टॉप मॉडल की तरह। चलो यार फिलहाल तो ना कार के बाहर चलते हैं एंड इस वीडियो को ना कंक्लूड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले ना, मैंने टॉप मॉडल की भी ना वीडियो डाल रखी है, एक बार ना आप वो भी जरूर देखना, खासकर ऑल व्हील ड्राइव की भी ना जरूर देखना। उसमें ना इधर जो मोड्स मिलते हैं ना, स्नो मोड, मड मोड और जो एनिमेशन बनी आती है वो भी ना प्रीमियम लगते हैं। एंड पर्टिकुलर इस मॉडल की प्राइसिंग की बात करें ना, 13.89 lakh rupees एक्स शोरूम इसकी प्राइसिंग है। तभी मैंने ना शायद टाइटल में भी लिखा हुआ मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, जो मुझे तो पर्सनली लगता है बस इसमें एक सनरूफ होती ना तो मैं 101% यही कहता कि भाई हाँ भाई सबको यही वाला मॉडल मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लगेगा। फिलहाल ना मेरे साथ है मारुति सुजुकी नेक्सा के सेल्स हेड दर्शन सिंह जी। तो भैया कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। के सभी फॉलोवर्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और सभी को गुड आफ्टरनून। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर द ग्रीटिंग्स। तो भैया सबसे पहले ये बताओ,
ग्रैंड विटारा का रिस्पांस क्या आ रहा है, मतलब सोशल मीडिया पर तो इसकी बहुत ज्यादा हाइप है। बिल्कुल सर, हमारे पास डेली के कम से कम 10-15 कस्टमर विजिट कर रहे हैं शोरूम में ग्रैंड विटारा। अच्छा जी। और बड़े ही मतलब उनको बेसब्री से इंतजार था कि कब गाड़ी लॉन्च हो, कब उसके प्राइसेस आए और कब हमें डिलीवरी मिले। अभी से कस्टमर ये मांगने लगे हैं जिन्होंने बुकिंग कराई कि हमारी डिलीवरी कब होगी। हाँ जी हाँ जी। पर एज पर MSIL मारुति ने जो वेटिंग पीरियड दिया है वो 6 मंथ का दिया, ऑल ओवर इंडिया 6 मंथ का वेटिंग पीरियड लॉन्चिंग के बाद। 24 वीक्स का उन्होंने वेटिंग पीरियड दिया है। हाँ जी। तो जैसे जैसे गाड़ियाँ आती रहेंगी उस हिसाब से गाड़ियाँ उनको मिलती। अच्छा, और एक बार प्राइसिंग का भी बता सकते हैं आप? हाँ जी, 10 जो बेस वेरिएंट है उसका 10,45,000 एक्सशोरूम और टॉप मॉडल का 15,45,000 मैनुअल ट्रांसमिशन। अच्छा, मैनुअल ट्रांसमिशन का। चलो थैंक यू सो मच भैया, आपने अपना टाइम निकाला। एंड यार आपने पूरी बातें सुन ली होंगी भाई भैया की। 6 महीने की ना इस पे वेटिंग तो चल ही रही है, बट स्टिल अगर आपको इस कार में इंटरेस्ट है, अगर आपको बाय करनी है जल्दी या फिर कोई भी कार वगैरह बाय करनी है, तो ना आप अंबाला ज़रूर विजिट कर सकते हैं। अगर आप आसपास रहते हैं अंबाला के, एकांश व्हील्स नाम से ना इनकी एजेंसी है, तो आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चंडीगढ़ की साइड भी रहते हैं ना, चंडीगढ़ में यार और टाइम लगता है, इधर आ सकते हैं, इधर से आपको जल्दी मिल ही जाएगी। फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye-bye, take care.